नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, इसी के चलते यूपी रैलियों का दौर जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने IIT के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। वहीं इसके बाद उन्होंने कानपुर मेट्रो का उद्घाटन कर कानपुर वासियों को बड़ी सौगात दी है। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर पहुंचे, IIT कानपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने कानपुर को मेट्रो की सौगात दी है, खुद मेट्रो में सफर करते हुए नजर आए। इसके अलावा एक विशाल जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया है। अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर हमलावर होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो कानपुर वासियों को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है मेट्रो में सफर करते हुए, और जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जनता है, वो छतों पर चढ़ गई थी, जिनके घरों के पास से जो मेट्रो है वो निकल रही है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ का संबोधन करते हुए ये नजर आए। तो अभिवादन किया अपने संबोधन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसका जिक्र किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर मेट्रो में सफर करते हुए नजर आए, उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। तो आज बड़ी स्वागत कानपुर वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। इसके बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, इस दौरान विपक्ष पर भी हमलावर होते हुए हैं नजर आए हैं। मंगलवार को यूपी दौरे पर हापुड़ पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। JP नड्डा ने अपने संबोधन में कहा है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और माफिया राज की हार होगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी की सरकार का एक मंत्री आज भी जेल में है। नड्डा ने कहा कि अखिलेश जी के समय 700 दंगे हुए थे। तो आज रैलियों का मंगलवार था, इस दौरान हापुड़ में JP नड्डा पहुंचे, एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान विपक्ष पर हमलावर होते हुए भी नजर आए। दरअसल 2022 का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में BJP के जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार हर विधानसभा में जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल 2022 में भारतीय जनता पार्टी की जीत का जिक्र करते हुए यहाँ पर JP नड्डा नजर आए हैं और कहा कि माफिया राज की हार होगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी की सरकार का एक मंत्री आज भी जेल में है। नड्डा ने आगे कहा है कि अखिलेश यादव चाहे जितना मर्जी दमखम लगा ले, लेकिन उनकी हार निश्चित है, क्योंकि जनता ने ऐसा सोच लिया है। आगे JP नड्डा ने कहा कि अखिलेश जी के समय में करीब करीब 700 दंगे हुए थे। अखिलेश यादव का चुनावी रथ मंगलवार को नाव पहुंचा, इस दौरान उन्होंने BJP पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि कानपुर मेट्रो का शिलान्यास मैंने किया, और उस मौके पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और कानपुर के सांसद मुरली मनोहर जोशी भी थे, और अब इसका श्रेय BJP ले रही है। BJP लगातार झूठ बोलने का काम कर रही है, और जो सरकार ऑक्सीजन ना दे पाई उससे झूठी सरकार कौन सी हो सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान की आय और नौजवान के रोजगार के लिए आज BJP के पास जवाब नहीं है। तो रैलियों का दौर लगातार जारी है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, BJP हो, हर कोई अपना दमखम दिखाने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में आज उन्नाव पहुंचा काफिला अखिलेश यादव का। तो चुनावी रथ उन्नाव पहुंचा, इस दौरान BJP पर अखिलेश यादव हमलावर होते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने कानपुर मेट्रो का जिक्र किया, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कानपुर पहुंचे थे, मेट्रो का यहां पर उद्घाटन किया है, मेट्रो में सफर करते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने इसी का जिक्र किया और कहा कि कानपुर मेट्रो का शिलान्यास मैंने किया, और उस वक्त केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और कानपुर के सांसद मुरली मनोहर जोशी भी थे, इसका श्रेय अब BJP ले रही है। BJP लगातार झूठ बोलने का काम कर रही है, और जो सरकार ऑक्सीजन ना दे पाई हो उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, उससे झूठी सरकार कौन सी हो सकती है। अखिलेश यादव ने कहा है कि किसान की आय और नौजवान के रोजगार के लिए BJP से लगातार सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन BJP के पास कोई भी जवाब नहीं है। तो समाजवादी पार्टी लगातार चुनावी रथ पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाती हुई नजर आ रही है, और ये रथ आज उन्नाव पहुंचा। उन्नाव में जाकर अखिलेश यादव ने हुंकार भरी है, हुंकार भर के अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए कि
जो भी काम का श्रेय बीजेपी ले रही है वो सब मेरी सरकार में थे, लेकिन अब इसका श्रेय बीजेपी ले रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी झूठी सरकार है। ऑक्सीजन का जिक्र यहाँ किया है क्योंकि 2021 में ऑक्सीजन का मुद्दा काफी ज्यादा गूंजा था। बीजेपी नेता देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, सबसे पहले बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। धन्यवाद देवेंद्र जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिस कानपुर मेट्रो का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उसका शिलान्यास अखिलेश यादव ने किया था, तो बीजेपी झूठ बोल रही है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया करके उठाया अखिलेश जी ने। ठीक रहा कि उनकी मानसिकता आई तो सही, कम से कम निकल के अगर वो इसका शिलान्यास कर चुके थे और ये कंप्लीट हो चुका था तो फिर किस चीज का इंतजार देख रहे थे? मेट्रो 4.5 वर्ष कैसे इंतजार लग गए उन्हें देखते देखते? ये अपनी सरकार में एक कंप्लीट कर दिया, कभी रोडों का जब बस यही सवाल अखिलेश यादव का भी है कि इतना समय क्यों लग गया इसके उद्घाटन में? नहीं, अखिलेश यादव अगर कुछ करते तो शायद इतना समय नहीं लगता। ऐसे काम है, ये कम्प्लीट होने में टाइम लगता। मेट्रो का प्रोजेक्ट कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है जी। आप ऑक्सीजन को बात करते हैं, मेट्रो की ऑक्सीजन की अगर हालत खराब हुई है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? आपने कितने प्लांट ऑक्सीजन के यूपी को दे रखे थे? यूपी के हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति थी? यूपी में क्या शिक्षा की स्थिति थी? मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी थी? कितना प्रोजेक्ट था आपके पास? ये आप जो है जिस तरीके की बात करते हैं, जितना विकास आप लोगों ने, जो भी विकास भारतीय जनता पार्टी जिसका शिलान्यास करती है उसका शुरुआत वही बताते कि हमने किया। आज तक जितने शिलान्यास, जितने भी काम जो है, जितनी घोषणा हो रही थी उसकी जवाबदेही है क्या कांग्रेस की हो या अखिलेश की हो या बसपा की हो? तो मैं अखिलेश जी के यही पूछना चाहूंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन उठाना है तो आप अपने ही क्वेश्चन पर स्वयं फंसते हैं, क्योंकि आप अगर आप करने वाले थे, आपका काम था, तो आप इतने कमजोर कैसे रह गए कि अपने काम का अपनी सरकार में उद्घाटन नहीं करा पाए या कर ना सके? आज उंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए ना। कुछ रोडों का शिलान्यास जैसे आप कहते हैं कि हमने शुरू किया था, आपने एक सांची सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मार्ग है जो अब नेशनल 90709 है और वो बनकर उसमें 600 करोड़। ठीक है, ठीक है देवेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को अपनी सरकार में वो काम पूरे करा देने चाहिए थे, इतना समय क्यों लग गया? चलिए ठीक है, मान लीजिए कि अखिलेश यादव गलत कह रहे हैं और जो जैसा कि आपने कहा कि वो जो सवाल ही है वो ही गलत है, लेकिन जो महंगाई हो रही है, जो किसानों की आय दोगुनी की बात थी, नौजवानों की बात थी, रोजगार की, उस पर भी वो तो कटाक्ष कर रहे हैं। देखिए, ये भी अच्छी चीज है, अगर उन्हें कटाक्ष करना है और महंगाई पर बात करते हैं, विकास पर बात करते हैं, लेकिन कम से कम एक चीज पर देख लें कि ये जो देविक आपदा आई थी, देविक नहीं, देविक बात कर रहा हूं मैं, स्पष्ट आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जो आपदा से बोलते हैं, जो ईश्वर की मर्जी से कोरोना काल आया था जी। पूरी दुनिया और विकसित कंट्री जिसमें हिल गए थे, उसके बाद भी विकसित देशों का जो डेप्रेशन आता है, सांसद बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के आकर कि माननीय योगी जी किस तरह इतने बड़े प्रदेश को संभाल रहे हैं। आप दिल्ली का प्रदेश बराबर में था, वहाँ ऑक्सीजन से लेकर हॉस्पिटल लोगों को नहीं मिले, देश की राजधानी थी, और यूपी ने उनको सहारा दिया, उत्तर प्रदेश ने उनको सहारा दिया, और इसके बाद जो है आप कहते हैं कि हमने विकास की बात, हम विकास और सुशासन जो आपने क्राइम के नाम से यूपी की पहचान से 4.5 वर्षों में खत्म कर दिया, एक हिंदू हुआ नहीं, मुस्लिम हुआ, किसी भी तरीके से। देवेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आपने अभी इस कोरोना काल का जिक्र किया है। देखिए, अभी भी देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, बीजेपी की रैलियों में हजारों की संख्या में समर्थक हैं, ओमिक्रॉन कहाँ है? देखिए, मैं इस चीज के लिए भी आपको क्लियर करूंगा, बीजेपी नहीं, अखिलेश की रैली हो या किसी और की रैली। देखिए, अगर सपा के प्रवक्ता या नेता मेरे साथ जुड़ते मैं उनसे भी यही सवाल करती, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो ये सवाल आपसे है। नहीं, अच्छा सवाल है, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। ओमिक्रॉन में जहां जरूरत पड़ रही है, सरकार ने सबसे पहले रात का जो कर्फ्यू है उसको शुरू कर दिया है, वो रात को 10 बजे से 9 बजे से और 11 बजे के बीच में कार्य लेकर सुबह 5 बजे 6 बजे तक, जिसमें लगभग 8 से 9 घंटे का उसका जो है चैन टूटने का काम करेगी। और रही बात ये की काम अलग चीज है, लॉकडाउन अलग चीज है,
उस पर सरकार गंभीर है। जनता का सवाल है देवेंद्र जी, आपके लिए जनता का एक सवाल है, आम जनता, मेरा सवाल नहीं है, आम जनता ये पूछ रही है कि नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया है, नाइट में कौन सी रैलियां हो रही हैं, रैलियां सारी दिन में हो रही हैं, भीड़ सारी दिन में हो रही हैं, पब्लिक के लिए पाबंदियां, नेताओं के लिए कोई पाबंदियां नहीं। अच्छा क्वेश्चन है आप। मैं एक चीज और कहूंगा, रैलियों से अलग और भी बहुत ऐसे काम है जो दिन में ही हो सकते हैं, चाहे वो बिजनेस का कार्य हो, चाहे किसान का खेत खलिहान का कार्य है, वो दिन में हो सकते हैं। रात में कर्फ्यू का फायदा ये है कि अभी जो ओमिक्रॉन को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी बात ओमिक्रॉन जो सिस्टम जुड़ने वाला ये नया वेरिएंट है, अभी क्लियर नहीं हुआ। कोरोना काल में ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी कि जितनी जल्दी इसकी चेन को तोड़ कर रखा जाए, उसमें 10 घंटे या 5 घंटे की जो दूरी आपस की हमारी दूर बन जाए ज्यादा से ज्यादा, तो उसे फैलने में एक जो है थोड़ा समय लगता है या वो टूटती है। तो सरकार की और डॉक्टर्स की रिपोर्ट की देवेंद्र जी कैसी बातें हैं, रात में तो वैसे ही रात में तो ट्रैफिक कम होता है। देखिए अमूमन लोग हद से हद 12 बजे तक बाहर निकलते हैं, उसके बाद तो सब अपने घरों में ही रहते हैं। देखिए उसके बाद भी बहुत ऐसे कार्य हैं जो रात को होते हैं, और इसका मतलब ये है आप कोरोना की जो एक बीमारी है जिसपे हमारा लंबा हमने जो डॉक्टर्स के साथ हम लोगों को भी धीरे धीरे सबको पता लगा कि इसका सिस्टम क्या है। कोरोना जो एक फैलने वाला संक्रामित बीमारी है जिसकी चेन तोड़नी एक इलाज है, जो ये चेन बनती है ये स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे पर बहुत सार फैलता है, उसे जितना रोका जाए जितना बचा जाए। ठीक है जनता का सवाल था लेकिन जवाब से कहीं ना कहीं जनता संतुष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि आप जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो जानकारियां थी वो साझा करने के लिए कि रात में भी बहुत सारी लोग जो है बाहर निकलते हैं जिसकी वजह से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन दिन में शायद ओमिक्रॉन गायब हो जाता है, नेता की रैलियों में गायब हो जाता है, महासभाओं में जो ओमिक्रॉन है वो गायब हो जाता है। जब ओमिक्रॉन आता है तो सिर्फ और सिर्फ आम जनता पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे कुछ और खबरों का। 30 दिसंबर को बीजेपी की जन विश्वास यात्रा संत कबीर नगर पहुंच रही है, वहीं इस विकास यात्रा में शामिल होने देश के गृहमंत्री अमित शाह और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत कबीर नगर आ रहे हैं। संत कबीर नगर के खलीलाबाद में गृहमंत्री और मुख्यमंत्री बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होकर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, वहीं गृहमंत्री और सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां भी जोरों पर देखी जा सकती हैं। संत कबीर नगर की तस्वीरें, बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं, क्योंकि 30 दिसंबर को ये जो यात्रा है यहाँ पर पहुंच रही है, इसमें गृहमंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है, जिसको लेकर तैयारियां पहले से ही की जा चुकी हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर ली गई है। देखिए आगामी 31 दिसंबर को संत कबीर नगर में खलीलाबाद विधानसभा में जो जिला मुख्यालय है यहाँ पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामाख्या तक भारत की आंतरिक सुरक्षा को अभेद बनाने वाले देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री माननीय अमित शाह जी यहाँ रहेंगे कार्यक्रम में। जो जन विश्वास यात्रा आ रही है वो 31 दिसंबर को संत कबीर नगर खलीलाबाद में प्रवेश करेगी और खलीलाबाद में वह यात्रा है और उस यात्रा में शामिल होने आए हैं वो, और एक विशाल जनसभा का भी उस दिन आयोजन है। गोरखपुर के खजरी विधानसभा में पहुंचे बसपा के नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने जमकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। सतीश चंद्र मिश्रा ने सरकार को आड़े हाथों लेकर अपने बीएसपी सरकार को किसानों और नौजवानों का हमदर्द बता दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे कानून बना दिए जिसके तहत किसानों को मजबूर अपनी जमीन देनी पड़ी है और अब वो जमीन उद्योगपतियों के हाथों में चली गई है। गोरखपुर पहुंचे बीएसपी नेता जहां पर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों को मजबूर किया गया है और इसी मजबूरी की वजह से किसानों को अपनी ज़मीन देनी पड़ी है और कहीं ना कहीं अब किसानों ने अपनी ज़मीन गंवा दी है और ये ज़मीन उद्योगपतियों के हाथों में चली गई है। तो गोरखपुर के खजरी विधानसभा में बसपा के नेता सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे जहां पर वो सत्ता पक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीएसपी सरकार को किसानों और नौजवानों का हमदर्द हमेशा से ही बताया जाता रहा है और उन्होंने हमेशा इनके लिए काम किया है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है।
किसानों से कहा कि हम तुम्हारी आमदनी दो गुना कर देंगे, हमको वोट दे दो। हमारे भोले भाले किसान वो भी इनके कहने पे आ गए, उन्होंने इनको वोट देने का काम किया। किस तरह से दो गुना आमदनी करी, 15-25 रुपए बढ़ाए, 25 रुपए गन्ना का मूल्य। आखिरी अभी एक महीने पहले जब सरकार जाने का समय आया है, वोट खरीदने के नाम पे 25 रुपए बढ़ाए, 5 रुपए सालाना, ये इनकी बढ़ाने का तरीका है। देवरिया के विधानसभा रुद्रपुर से समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद ने मंगलवार को क्षेत्र भ्रमण कर न्यूज़वर्ल्ड इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने इन 5 सालों में सिर्फ महंगाई बढ़ाने का काम किया है और बीजेपी सरकार को आम जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है और अब जनता बीजेपी सरकार से ऊब चुकी है। देवरिया की तस्वीरें जहाँ पर सपा नेता ने बीजेपी पर हमला बोला है, बीजेपी ने बस महंगाई बढ़ाने का काम किया है, रामभुआल निषाद ये कहते हुए नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि अब किस तरह से वो सत्ता पक्ष के इन 5 सालों को देख रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी ने इन 5 सालों में कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ाने का काम किया है, आम जनता को परेशान करने का काम किया है। क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नीतियों को और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास कार्य किए हैं जनता के बीच में उसको पहुंचाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया, उसको भी लोगों से को अवगत कराया जा रहा है। प्रतापगढ़ में जनविश्वास यात्रा का समापन किया गया। बता दें कि बीती रात रानीगंज विधानसभा से होते हुए बीजेपी की विशाल यात्रा जौनपुर पहुंची थी, जहां लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। वहीं इस दौरान रानीगंज विधायक धीरज ओझा के नेतृत्व में इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ की तस्वीरें, जनविश्वास यात्रा लगातार हर विधानसभा पहुंच रही है। प्रतापगढ़ में भी जनविश्वास यात्रा का समापन किया गया। बता दें कि बीती रात रानीगंज विधानसभा से होते हुए बीजेपी की यह विशाल यात्रा जौनपुर पहुंची थी, जहां पर लोगों का जन सैलाब देखा गया। इस दौरान रानीगंज विधायक धीरज ओझा के नेतृत्व में इस यात्रा का भी भव्य स्वागत किया गया। कन्नौज में इत्र व्यापारी के घर से SBI बैंक की टीम कैश लेकर निकली। बता दें कि CBI की टीम 4 बक्सों में कैश भरकर लेकर गई है। बताया जा रहा है कि अभी तक अधिकारियों की ओर से 17 करोड़ कैश मिलने की पुष्टि की गई है, जहां 23 किलो गोल्ड और 600 किलो चांदी भी मिला है। तो पीयूष के घर से लगातार कैश मिल रहा है, जिसको लेकर हर कोई इस पर चर्चा कर रहा है। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि पीयूष के घर से कैश लेकर CBI की टीम निकली है। 17 करोड़ ये बताया जा रहा है, जो कि कन्नौज में इसका घर है, वहां से 4 बक्सों में कैश भरकर टीम निकली है। फिलहाल कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला भी फूंका। इसके अलावा बीजेपी की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कानपुर से, जहां पर समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। इसके अलावा बीजेपी की कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की है। भारतीय किसान लोक शक्ति के धरने को 11 दिन हो गए हैं, लेकिन किसानों की समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है, जिस पर गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जेवर में पैदल मार्च निकालकर प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। मुरादाबाद की तस्वीरें, जहां पर किसानों का प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 11 दिन से प्रदर्शन लगातार जारी है, प्रशासन के खिलाफ जमकर मुरादाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो अपनी मांगों को लेकर लगातार किसान अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचा है, ना ही कोई समस्याएं सुन रहा है।
लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील स्थित नगर के मोहल्ला इकराम नगर में जल निकास की समुचित व्यवस्था न होने से यहां के लोग काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से की, लेकिन कोई भी अधिकारी इसकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है और इसके चलते यहां जल भराव की समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है, साथ ही जमकर प्रदर्शन भी किया है। लखीमपुर खीरी की तस्वीरें जहां पर जल भराव की स्थिति से लगातार लोग जूझ रहे हैं, ऐसे में उनका कहना है कि अधिकारियों को इस बात से अवगत करा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे। हमारा नाला ये बंद कर रखा है, रहमत ने नाला बंद कर दिया और पूरे मोहल्ले में पानी भर रहा है। एक तो कोरोना वायरस का वो चल रहा है दौर और पूरी गंदगी है। सफाई कर्मी आते हैं और सफाई भी बेचारे क्या करें जब नाला बंद है, आगे से नाला बंद कर रखा है, पानी बंद कर दिया पूरा, पानी घरों में भर रहा है, टैंकों में भर रहा है पानी, सड़कों में भर रहा है पानी, निकलने बैठने में बहुत परेशानी हो रही है। क्या है लखीमपुर खीरी में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया, जहां जिले के ईसानगर थाना इलाके के बजरिया गांव में रहने वाले एक युवक ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर धर्मांतरण कराने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। युवक का कहना है कि ये लोग भोले भाले लोगों को बरगला कर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। लखीमपुर खीरी से पूरा मामला सामने आया, धर्मांतरण को लेकर लोगों में काफी गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, हमारे गांव में कुछ बाहरी ईसाई मिशनरी लोग आए हुए हैं, जो हमारे गांव की महिलाओं को, जो अनपढ़ और थोड़ा सीधी साधी हैं, उनको यहां से ले जा कर के अपना चौराहे पे एक स्थान बनाए हुए हैं, वहां पर ले जा कर के उनको वहां बिठाते हैं और धर्मांतरण के लेकर के जो है उनको प्रेरित कर रही, वो हिंदू धर्म से ईसाई धर्म अपनाने के लिए उनको धीरे धीरे वो प्रेरित कर रहे हैं। तो उसमें मेरी माता जी भी थी, तो मैंने उनसे कहा तो उस जो गिरोह के लोग हैं तो वो मुझे जो है मारने का प्रयास किया उन्होंने। लखीमपुर में परिवर्तन के चलते मीटर ग्रेज से ब्राडगेज का काम पूरा होने से यहां ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है, जिसके बाद रेलवे के अधिकारी जब यहां निरीक्षण के लिए आए तो उनका स्कूली बच्चों ने स्वागत किया, जिसके बाद सभी ने मिलकर पश्चिम रेलवे क्रॉसिंग पर पूजा अर्चना की, साथ ही अधीनस्थ कर्मचारियों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पीलीभीत में बीजेपी के महिला सम्मेलन में घड़ी के लालच में महिलाओं में जमकर मारपिटाई होने लगी। महिलाओं ने बताया कि उनको घड़ी का लालच देकर ब्लॉक परिसर में बुलाया गया था। खबरों की माने तो बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्या ने एक सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन के बाद घड़ी और खाना न मिलने से परेशान महिलाओं ने जमकर हंगामा काटा। योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचार के नाम पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करे, लेकिन रायबरेली जनपद के कुछ भ्रष्ट राजस्व कर्मी सरकार के दावों को जमकर पलीता लगाते हैं। ऐसा ही एक चौंका देने वाला मामला रायबरेली से सामने आ रहा है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। दरअसल सलोन तहसील के भ्रष्ट रवैया और चंद पैसों के लालच में एक बुजुर्ग महिला लगभग 16 बीघा जमीन उसे मृतक दिखाकर गाँव के ही कुछ दबंगों के नाम कर दी गई। वही लोगों की माने तो ये जमीन करोड़ों की है। अब ये बुजुर्ग महिला खुद को जिंदा साबित करने के लिए जहमत उठा रही है, लेकिन दबंगों के रसूख के आगे जिला प्रशासन पूरी तरह से बौना साबित हो रहा है। समस्या ये है कि हमारे बाबा जी जो थे उनके वो मृतक हो चुके हैं, हम अपनी आजी के साथ रहते थे, जिनकी जमीन हमारी आजी के नाम आना चाहिए था, जिसको षड्यंत्र के तहत हमारे पटीदार लोग लेखपाल और ग्राम प्रधान की मदद से अपने नाम पाका गया। लेखपाल क्या नाम है? लेखपाल का नाम रुपेश मौर्य। क्या आपने इसकी शिकायत किया है कहीं? समाधान दिवस पर तहसील में। लेखपाल से आपने इसकी जानकारी लिया है इस मामले की? हाँ, उनकी उनसे हमने जानकारी लिया, उन्होंने कहा इसका हम निस्तारण कर देंगे। सर, समस्या ये है कि राम उंजेर द्विवेदी पुत्र नानू दुबे, हाँ, ग्राम धरई, हाँ, उनकी पत्नी का नाम रामावती है, वो रामपति वो अभी जीवित हैं सर, हाँ, उनके उनको मृतक दिखाकर करीब 15 किलोमीटर की दूरी के पटीदारों के नाम लेखपाल व प्रधान मिलकर। गोरखपुर कैंट क्षेत्र के काली मंदिर चौराहे के पास देवरिया के रहने वाले रिटायर्ड कर्मी से बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि पीड़ित बैंक से पैसे निकालकर अपने घर जा रहे थे, वहीं इसी बीच बाइक सवार दो बदमाशों ने उनके पैसे छीन लिए और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची
पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो गोरखपुर का ये पूरा मामला, जहां पर रिटायर्ड कर्मी से लूट की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया है। बाइक पर दो बदमाश सवार होकर आए हैं, लूट की घटना को अंजाम दिया, मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हम से पैसा निकाल करके ले आ रहे थे, तो यानी रिक्शा पर बैठे थे। कितना रुपया था? 4 लाख। अच्छा, किस बैंक से निकाला? भारतीय स्टेट बैंक। कौन सी शाखा जी? कौन सी शाखा? वो मेन। अच्छा, बैंक रोड से? हाँ, मेन रोड। अच्छा, जा रहे थे बाइक से या टेम्पू से? को अंजाम दिया गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।